अल्बम बम बोले कामाख्या माता ये हैं गुरु बाबा हो जय माता दी सच्चा दरबार करो भी सरकार हो जय माता दी। अरे तुम भी बोलो और हम भी बोले, अरे आगे वालों और पीछे वालों सब रल मिल बोलो हो जय माता दी। माँ शैल प्रतिमा, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंदी घंटा, कुष्मांडा माता, कुष्कंद माता, कात्यायनी माता, कालरात्रि माता, माँ गौरी माता, शिवरात्रि माता, महाविद्या माता, ये है माँ काली कल तीरथ वाली, हो जय माता दी, हो जय माता दी। सब दिल से पुकारो माँ हमको वारो, सब दिल से पुकारो माँ हमको वारो, हो जय माता दी, 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 हो जय जय माता दी जय तारा शिव दरबार की। सब गुरुदेव भगवान की। दो मिनट के लिए बाबा के नाम का स्मरण भी कर लें। आप जब यहाँ पे किसी भी कार्रवाई को, किसी भी गतिविधि को आप देखते हैं तो आप अपने का ध्यान दें और ये तो प्रार्थना करने वहां भी चलते हैं, जाएगा ही एक पीड़ित क्या करेगा। लेकिन आपको ध्यान होगा जब आप विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो वहां पे आप किसकी प्रार्थना करते हैं? माँ सरस्वती की, क्योंकि वो विद्या की। और व्यायामशाला में जब आप जिम में जाते हैं व्यायाम करने के लिए तो वहां किसकी होती है? माँ बड़ी हनुमान जी। ऐसे करके हर चीज का एक सिस्टम है। और संगताधिक ब्रह्माधिक और भूताधिक संगे किनके साथ में है? भगवान भोलेनाथ। आज आपको शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है इस धरती पे, तभी आपकी सारी मनोकामनाएं इसी दरबार से पूर्ण होंगी और होती हैं। कहिए बनता ही है, जैसा कि गोस्वामी जी ने भी लिखा कि जास नाम सुमिरत एक बारा उतरही नर भव सिंधु अपारा।
कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर, वो नाम भी मिल गया आपको। आज आप श्री राधा रमण संप्रदाय से जुड़ जाते हैं। जब आप करौली सरकार के दरबार से जुड़ते हैं तो ये भी आपकी जानकारी में देना चाहूंगा कि आप आज से राधा रमण संप्रदाय से जुड़ जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हम राधा रमण संप्रदाय से हैं। बोलिए करौली सरकार की। आप सभी विवेकवान हैं, बुद्धिमान हैं, तो श्री राधा रमण किनका नाम है ये भी अच्छी तरह जानते हैं। तो बोलिए श्री राधा रमण की। चलिए बाबा।